नमस्कार दोस्तों, 14 अप्रैल 2024 आज जयंती है भारत देश के उस महान फ्रीडम फाइटर की, जिनकी वजह से आप समता और समानता की बातें करते हैं। द फ्रीडम फाइटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये मेरा मिसफॉर्चून था कि मैं अछूत के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि मेरे पैदा होने में मेरा तो कोई दोष नहीं, लेकिन यह जरूर मेरे पावर में है कि मैं हिंदू रहते हुए नहीं मरने वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल थी, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। 20 मार्च 1927 महार सत्याग्रह, बेसिकली महाराष्ट्र में एक जगह है महार नाम से, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने ढेरों फॉलोअर्स के साथ एक टैंक में पानी पीने गए। बड़ी सिंपल सी बात लगती है, लेकिन बहुत सारे अपर कास्ट हिंदू इसके सख्त खिलाफ थे। एक ऑलमोस्ट राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उनका ऐसा करने से। माहौल तो ऐसा हो जाता है कि बीच में पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ता है, और इन्हीं अपर कास्ट हिंदुओं ने उस वाटर टैंक को साफ करने के लिए उसमें दूध दही और ना जाने क्या क्या चीजें डाली उसे साफ करने के लिए। सेम ईयर 25 दिसंबर 1927 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके ढेरों फॉलोअर्स ने मिलकर एक कैंपेन जारी करी मनुस्मृति को जलाने की। उनके ऐसा करने के पीछे तर्क दिया जाता है कि मनुस्मृति एक ऐसा टेक्स्ट है जहां पर कास्ट के रूल्स लिखे गए हैं। जिस दिन उन्होंने ऐसा किया उस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी एक और बड़ी फेमस मोमेंट थी नासिक का कालाराम टेंपल, जहां पर दलितों को अंदर आना मना था, जिसके सख्त खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और इन्होंने मार्च भी करी थी इसके अगेंस्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से बड़े इंस्पायर थे। ना सिर्फ इन्होंने इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया, बल्कि फ्री मोबाइल में भी लिखा है, और इन्हीं का मेंशन उन्होंने महार सत्याग्रह में भी किया था। अभी साइडियो को ध्यान से सुनिए और अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह केवल पीने के पानी के लिए नहीं है। पानी पीकर हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हम लड़ रहे हैं पानी पीने के अधिकार के लिए, लेकिन यह लड़ाई केवल हमारे ह्यूमन राइट्स की लड़ाई भी नहीं है। हमारा मकसद फ्रेंच क्रांति से कम नहीं है। ये क्रांति हुई थी सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जो पुरानी सोसाइटी थी फ्यूडल इनइक्वालिटी पर बेस्ड, उसको इरेडिकेट करने के लिए, एंड टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी व्हिच इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी कास्टिज्म की समस्या देखने को मिलती है, और इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज से लोग कितना दूर भागते हैं। इस पॉइंट पर गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी फाइनली एक दूसरे से एग्री करते थे। मैंने कभी किसी मुस्लिम या ईसाई के साथ लड़ाई नहीं की है, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी किसी मुस्लिम या ईसाई परिवार से फल के अलावा कुछ नहीं खाया। कि हमें सोसाइटी को यूनाइटेड बनाना है, देश को यूनाइटेड बनाना है, तो हमें इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज को प्रमोट करना होगा। दूसरे रिलीजन या कास्ट के लोगों के साथ खाना खाना या शादी करना, इस पर जो रुकावटें हैं वे हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ये बाद में हिंदू धर्म में आई, शायद जब हिंदू धर्म अपने पतन की तरफ था। आज के समय में ऐसी रुकावटें हिंदू समाज को कमजोर कर रही हैं। इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज, इस पॉइंट को समझना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पॉइंट इंटर मेंशन कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।